सब्सक्राइब करें गैलरी सफर हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए ग्लिच और गैलरी रिलेटेड ऑल लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे अपना आईडी से अपना जो ई क्रेडिट बैलेंस किस तरह से चेक करेंगे और अपना ई क्रेडिट बैलेंस को कैश वाउचर में जनरेट करके किस तरह से अपने शॉपिंग करेंगे। तो हम इस वीडियो पर फुल प्रोसेस बताएंगे, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आपको तो अपना आईडी पर जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी का वेबसाइट पर जाना है, www.glitchgalloway.com। देन इसके बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा। अभी आपको अपना आईडी नंबर और पासवर्ड देकर लॉगिन करना है। अभी हम हमारा एक डाउनलाइन का ई क्रेडिट को चेक करेंगे और उसको जनरेट करेंगे। तो उनका आईडी नंबर डाल देंगे, देन अभी लॉगिन करेंगे, स्किप करेंगे। देखिए आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्लोज कर दीजिए। देखिए अभी आपको दिखाई देगा कि अकाउंट बोलकर एक ऑप्शन, तो उसका पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे पेज ओपन होगा, अभी दिखाई दे रहा है कि ई क्रेडिट इंसेंटिव, उसका पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा। तो अभी देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है, पहले ई क्रेडिट रिपोर्ट यानी कि अपना आईडी पर ई क्रेडिट अमाउंट जितना भी है वो शो हो जाएगा। देख सकते हैं अभी इस आईडी पर जितना अमाउंट है वो शो हो रहा है। और इसके बाद आपको दिखाई देगा ई क्रेडिट रोल बैक, और इसके बाद आपको दिखाई देगा ई क्रेडिट कितना लैप्स हुआ है, और इसके बाद आपको दिखाई देगा इंसेंटिव कितना लैप्स हुआ है। तो चलिए अभी हम ई क्रेडिट अमाउंट को कैश वाउचर में जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इधर कुछ नोट दिया गया है, जनरेट करने से पहले आप पढ़ लीजिए। इधर नोट दिया गया है कि आप अगर ई क्रेडिट अमाउंट को कैश वाउचर में जनरेट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको 200 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ई क्रेडिट बैलेंस आपको 200 से ज़्यादा होना चाहिए, या तो अपना ई क्रेडिट अमाउंट के अनुसार आप कर सकते हैं। और दूसरा में आपको बोला गया है 15 दिनों के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और तीसरा में अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं सीमित समय पर वो रिजेक्ट हो जाएगा और दोबारा ये ई क्रेडिट अमाउंट पे जमा नहीं किया जाएगा। चौथा नंबर पे बोला गया है कि अगर आपने एक बार ई क्रेडिट अमाउंट को जनरेट कर लेते हैं तो दोबारा ये रोल बैक नहीं किया जाएगा। तो चलिए सब कुछ देखने के बाद आपको एंटर अमाउंट पर अपना अमाउंट डाल देना है। अपना ई क्रेडिट अमाउंट के हिसाब से आप डाल दीजिए कितना रुपया का आप ई क्रेडिट करना चाहते हैं। तो अभी आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, तो आपको एक ओटीपी आएगा अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर कंपनी पर है, और आपको वेट करना है, ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको इधर डाल देना है। तो चलिए हमारा ओटीपी आ गया, अभी हम ओटीपी डालेंगे। और ओटीपी डालने के बाद आपको जनरेट पर क्लिक करना है, प्लीज़ एंटर अमाउंट, दोबारा एंटर अमाउंट डालना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम डाल लेते हैं। तो अभी हम जनरेट करेंगे, शेयर टू प्रोसीड ओके करेंगे और थोड़ा वेट करना है आपके। तो देखिए अभी फाइनली ये एक वाउचर कोड दिया गया है, इस कोड से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको स्क्रीनशॉट कर लिए और ओके कर देना है। तो देखिए ये अभी ई क्रेडिट अमाउंट जो है वो 00 हो चुके हैं, यानी कि ये 219 रुपया हमारा गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसको अभी हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी शॉपिंग करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से शॉपिंग करते हैं इस वाउचर को। तो फाइनली अभी हम गैलरी कार्ड को ओपन किए हैं। आप गैलरी कार्ड ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए या तो वेबसाइट पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं इस वाउचर से। तो चलिए अभी हम कुछ प्रोडक्ट को परचेस करके दिखाएंगे। आप अपना ई क्रेडिट अमाउंट के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, या तो उससे ज़्यादा आप परचेस करते हैं तो आपको ई क्रेडिट वाउचर के बाद जो भी अमाउंट है वो आपको ऑनलाइन थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेटीएम से कर सकते हैं या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, कोई भी एक ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए हम ई क्रेडिट अमाउंट के हिसाब से कुछ शॉपिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए हम ब्यूटी शॉप को कर लेते हैं ऐड।
अभी हम दिखाएंगे कि उस वाउचर को किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम ब्यूटी शॉप को दो कर लेते हैं। अभी आपको अप्लाई वाउचर पर क्लिक करना है, और अप्लाई वाउचर पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसे एक पेज ओपन होगा, एंटर वाउचर, यानी कि इधर आपको वो वाउचर नंबर डालना पड़ेगा जो आपने स्क्रीनशॉट करके रखे थे। तो चलिए हम नंबर डाल दिए, अभी अप्लाई वाउचर पर क्लिक कर देंगे, और करने के बाद आपको चेकआउट पर क्लिक करना है। और चेकआउट पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें आपका शिपिंग एड्रेस दिया गया है। अगर आपका सही एड्रेस है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका शिपिंग एड्रेस नया कुछ डालना चाहते हैं तो पेन मार्क को क्लिक करके आप नया एड्रेस डाल सकते हैं। तो चलिए हम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद आपके सामने ऐसे एक पेज ओपन होगा जिधर आपका शिपिंग चार्जेस 75 रुपीज़ बोला गया है, और कुछ घुसला डोनेशन 5 रुपये, यानी कि हमारा ई क्रेडिट अमाउंट से ज़्यादा हो गया 5 रुपया, तो अभी हमको पे करना पड़ेगा 5 रुपया हमारा अकाउंट से। तो चलिए हम इधर एंड अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारा इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर अभी तक हमारा इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हम जब भी ऐसे कोई नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन का माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत को गैलवे।